हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. माई सेल्फ ताराचंद, मैथ्स टीम CLC सीकर. सो आज हम लोग DCM का मैथ्स का जो सेकंड पेपर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो चलिए बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए. लेट A1 A2 AN अप टू AN बी ए सीक्वेंस सच दैट A1 इक्वल टू 2 एंड AN माइनस 1 इक्वल टू N स्क्वायर फॉर ऑल N विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इफ AK इक्वल टू 205 देन के इज इक्वल टू, तो के की क्या वैल्यूज होगी उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, ये एक सीक्वेंस दी हुई है और आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि अर्थमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है. मीन्स ये कोई भी एक आपके पास में नॉर्मल सीक्वेंस है. तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है उसकी हेल्प से कुछ बात करते हैं. एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें अगर हम एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है. यहाँ से हमें मिलेगा A2 - A1 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 4. सिमिलरली इसके अंदर अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा A3 - A2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9. सिमिलरली इसके अंदर n की वैल्यू अगर 4 पुट करें सो A4 - A3 विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर. सो इस टाइप की हमें कुछ वैल्यूज मिल रही है. तो ऐसे चलते चलते अगर हम इसमें आगे चल के AK पुट करें तो AK - 1 की वैल्यू कितनी आएगी. तो देखिए, 4 पर 4 स्क्वायर था, 3 पे 3 स्क्वायर, तो k पे कितना आ जाएगा हमारे सामने, k स्क्वायर. क्लियर है. और अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा. A2 से A2 कैंसिल आउट, A3 से A3 कैंसिल आउट, ऐसे ही A4 कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट टर्म से. तो यहाँ से देखिए सेकंड टर्म बच रही है, तो लास्ट से भी आपके सामने सेकंड टर्म बचेगी. मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये एक टर्म बचेगी आपके सामने, दैट इज AK. तो आपको मिलेगा AK - A1 विल बी इक्वल टू 4 - 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू देयर विल बी k स्क्वायर. ठीक है, ये AK की वैल्यू आ गई. तो यहाँ से देखिए हम AK को क्या लिख सकते हैं. AK विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 को लिख दिया 1 + 1 स्क्वायर, ताकि ये एक पूरी सीक्वेंस बन जाए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर. क्लियर है. इसके बाद में देखिए यहाँ से बात करते हैं कि हमें ये दिया गया कि AK 205 है. मीन्स हमें इसकी वैल्यू दी हुई है और हमें K निकालना है, K की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए K की वैल्यू क्या आती है हमारे सामने. A1 की वैल्यू 2 थी, लेकिन उसमें से एक 1 को हमने आगे रखा, एक को इधर रख दिया, तो पीछे हमारे सामने कितना बचा, एक सीक्वेंस बन गई 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू K स्क्वायर. सो इसके अंदर AK की वैल्यू पुट कर दे, 1 को इधर ले आए, सो ये बन जाएगा आपके सामने 204 विल बी इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगा दें तो फॉर्मूला लगाने के बाद में ये रहेगा K × K + 1 × 2K + 1 / 6. तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने एक नंबर आ चुका है जिसके अंदर 3 फैक्टर्स किए गए हैं. ठीक है, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको भी क्या करना है, ये जो क्योंकि आपको ये पता है कि कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स है जैसे K और K + 1, और K और 2K + 1 में क्या रिलेशन है ये भी हमें आइडिया है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक नंबर है उसको फैक्टराइजेशन करेंगे उसका. क्लियर है, तो देखते देखे उसके फैक्टराइजेशन से कितना आ रहा है. चलिए बात करते हैं. तो हमारे सामने जो रिलेशन आया था वो क्या था, रिलेशन था हमारे सामने K × K + 1 × 2K + 1 / 6 विल बी इक्वल टू 204. तो इस नंबर को उधर ले जाकर के हम इसके फैक्टर कर देते हैं. तो इसके फैक्टर करने से देखिए कितना आ रहा है, K × K + 1 × 2K + 1 विल बी इक्वल टू 6 × 204. तो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं 6 × 204 को और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. तो 6 के फैक्टर होंगे देखो 2 × 3, साथ में 204 है उसको अगर मैंने फैक्टराइज किया फर्स्ट टाइम, सो 204 में से एक 2 के फैक्टर को मैंने बाहर निकाला तो पीछे मेरे सामने कितना बचेगा, 102. ठीक है, 102 के फिर से फैक्टर किए तो यहाँ पर आएगा आपके सामने कि 2 × 3 × 2 102 में से एक 2 को फिर बाहर निकाला, पीछे आएगा 51. ठीक है, 51 के फिर फैक्टर्स किए तो आपको मिला 3 × 17. अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स आए हैं इसके आपको कुछ इस तरीके के फैक्टर्स करने हैं जिसके अंदर 2 कॉन्जिगेटिव फैक्टर्स बनने चाहिए. सो 2, 3, 2, 2 एंड 3, इसके 2 कॉन्जिगेटिव फैक्टर्स अगर हमें बनाने हैं तो देखिए 2³ और 3² ये 2 कॉन्जिगेटिव नंबर्स होते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 9 और × 17.
और तीन ही फैक्टर बनाने हैं हमें, क्योंकि इधर हमारे सामने तीन फैक्टर्स है। और अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के इंटू के प्लस वन, और के की वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर रहा हूँ तो 2k प्लस 1 भी आ रहा है हमारा 17। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 8 होगी। क्लियर है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे, आपके सामने ऑप्शंस थे, आप इसमें पुट करके भी चेक कर सकते थे कि कौन सी k की वैल्यू के लिए 204 आ रहा है, वैसे भी आपका आंसर सही आ जाता। और तीसरा तरीका ये हो सकता था क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, लेकिन उसमें फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा सा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, ए बी सी आर अनइक्वल नंबर सच दैट ए बी सी आर इन ए पी एंड बी माइनस ए सी माइनस बी एंड ए आर इन जी पी देन ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो हमें इन तीनों नंबर्स का रेशियो निकालना है और हमें दो कंडीशंस दी गई है। सबसे पहली कंडीशन है देखिए ए बी सी आर इन ए पी, सो यहाँ से हमें मिलेगा 2b विल बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अगर ये ए पी में है तो 2b की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस सी के इक्वल होगी। सिमिलरली आपको जो सेकेंड कंडीशन दी गई है बी माइनस ए सी माइनस बी एंड ए आर इन जी पी, तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिलेगी, तीन नंबर्स अगर जी पी में होते तो क्या कंडीशन होती है, मिडल नंबर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर्स एंड दैट इज बी माइनस ए इंटू ए। क्लियर है। तो ये हमारे सामने क्या आ गई, कंडीशन आ गई। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से सी माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है, थोड़ा सा देखिए ए पी से ऐसे याद आ रहा है कि दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ से देखिए आप उसमें से किसी एक टर्म को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ से सी माइनस बी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो c माइनस बी कितना आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। तो c माइनस बी की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करें तो देखिए जैसे ही सब्सिट्यूट करेंगे हमें मिलेगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसको भी इधर ले आए b माइनस ए और साथ में है a एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, सो b माइनस ए कॉमन ले लीजिए। जैसे b माइनस ए को कॉमन लेंगे पीछे आपके पास में बचेगा b माइनस ए विल बी इक्वल टू। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी आर अनइक्वल नंबर, तो ए बी सी अनइक्वल नंबर है, तो ये वाली जो टर्म है ये तो हमारी जीरो हो नहीं सकती, और ये जीरो नहीं होगी तो फिर जीरो किसको होना पड़ेगा, इस दूसरे वाले फैक्टर को। और इसको जब हम जीरो करते हैं तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी 2a के इक्वल। क्लियर है बच्चों। चलिए बी 2a के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर अगर हम बी की वैल्यू पुट कर दें 2a, तो देखिए इस वाली इक्वेशन में तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 4a माइनस ए दैट विल बी 3a। तो ए बी सी तीनों हमें ए के टर्म में मिल चुके हैं, तो अब हम इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इन तीनों नंबर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ए इज टू बी इज टू सी। ए को ए रखा हमने, बी को 2a के फॉर्मेट में और सी को 3a के फॉर्मेट में, तो रेशियो के अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है और पीछे बचेगा आपके सामने 1:2:3। क्लियर है। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, एपी और जीपी दोनों की कंडीशंस आपको लगानी है, जैसे ही लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सीक्वेंस दी गई है और यहां पर बोला गया है कि इफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी विल बी दिस, ये गिवन है आपको, देन दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर को अगर देखें ध्यान से, तो इन दोनों टर्म के अंदर देखिए एक कॉमन है आपके सामने और दैट इज एस एन एस एन प्लस टू एस एन माइनस वन इंटू एस एन प्लस वन, और साथ में आगे वाले जो दोनों टर्म्स है उसके अंदर एक जगह पर है एस एन प्लस वन और साथ में है एस एन माइनस वन इंटू एस एन प्लस टू। क्लियर है। तो ध्यान से अगर हम देखें दोनों टर्म्स के अंदर, ठीक है, तो एक जगह पर है sn और दूसरी जगह पर है sn प्लस टू, और ऐसी आगे वाली टर्म के अंदर इस वाले में नहीं, ठीक है ना, इसके साथ में अगर मैं इस वाली टर्म को साथ में ले लूं तो इन दोनों के अंदर देखिए sn आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं sn को कॉमन लूं तो मेरे को पीछे क्या मिलेगा, sn प्लस टू माइनस sn प्लस वन। ठीक है ना, अगर दोनों जगह से sn को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे क्या रहेगा, sn प्लस टू माइनस sn प्लस वन। और सिमिलरली अगर sn माइनस वन और sn प्लस वन इन दोनों में से भी मैं अगर sn माइनस वन को कॉमन लेता हूँ
तो पीछे यहाँ पर कितना रहेगा Sn प्लस वन, यहाँ से मैंने किसको कॉमन लिया, इसके अंदर है Sn माइनस वन और Sn प्लस वन, यहाँ पर Sn माइनस वन Sn प्लस टू, सो Sn माइनस वन को मैंने कॉमन लिया, सो Sn प्लस वन और साथ में माइनस Sn प्लस टू। तो देखिए दोनों जगह पर आपके सामने जो मिडिल में जो फैक्टर है वो सेम है, भी साइन का डिफरेंस है, तो इसको फिर से मैंने कॉमन ले लिया Sn प्लस टू माइनस Sn प्लस वन पूरे फैक्टर को, तो यहाँ पर बचेगा Sn और साथ में इसमें आएगा Sn माइनस वन। और ये जो टर्म होती है किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी Sn प्लस टू माइनस Sn माइनस वन, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी Tn प्लस टूथ टर्म, ठीक है, और Sn माइनस वन किसको रिप्रेजेंट करेगी Tnth टर्म को। तो ये जो इतना बड़ा आपको जो डिनोमिनेटर दिया हुआ था उसको आपने एकदम सिंपल लैंग्वेज में कैलकुलेट कर चुके हैं Tn प्लस टू इंटू Tn, ठीक है। अब बस हम इसका यूज करेंगे और हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए किस तरीके से आप अपने डिनोमिनेटर की जगह पर ये पुट कर दीजिए तो आपका जो समीशन वाली जो टर्म है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी 21 डिवाइड बाई Tn इंटू Tn प्लस टू, ठीक है। Tn के क्या होगी इस AP की nth टर्म और Tn प्लस टू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी इसकी n प्लस टूथ टर्म, ठीक है। और वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, हमें ऐसे यहाँ पर ऐसे पुट नहीं करना है, जब भी आपको किसी भी सीरीज का सम दिया हुआ हो दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म पता होगी, फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसके अंदर वन पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने वन। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, जो एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका डबल होता है आपके सामने क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने सिक्स। ए और डी हमें मिल चुके हैं तो यहाँ से हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, तो जनरल टर्म क्या आएगी, देखिए एन इक्वल टू वन से लेकर के इन्फिनिटी तक 21 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म टी एन एथ टर्म क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए है हमारे पास में वन और डी है हमारे सामने सिक्स, तो टी एन की वैल्यू आएगी देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्स एन माइनस फाइव, तो यहाँ पर आएगा सिक्स एन माइनस फाइव। सिमिलरली आप टी एन प्लस टू की बात करेंगे तो टी एन प्लस टू के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको एन को एन प्लस टू से रिप्लेस करना है, तो जैसे ही आप एन को एन प्लस टू से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा सिक्स टाइम एन प्लस टू, तो ये तो सिक्स एन ही होगा लेकिन ट्वेल्व माइनस फाइव ये कितना हो जाएगा हमारे सामने सेवन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स एन प्लस सेवन। अब इसके अंदर देखिए आप समीशन की वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ से लेकर के कहाँ तक, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो जैसे आप इसके अंदर वन से लेकर के इन्फिनिटी तक का वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आपका सम मिल जाएगा 21 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके पहले आप इसको क्या करें, इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, तो डिफरेंस में कैसे करते हैं देखिए, जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसको पहले लिखें सिक्स एन प्लस सेवन, फिर माइनस दूसरे वाली टर्म को लिख दें सिक्स एन माइनस फाइव, तो जो भी नंबर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसको नीचे क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो सिक्स एन से सिक्स एन तो कट जाएगा, सेवन प्लस फाइव कितना हो जाएगा ट्वेल्व, सो उससे नीचे डिवाइड कर दें और साथ में है आपके सामने सिक्स एन माइनस फाइव और साथ में है सिक्स एन प्लस सेवन, ठीक है। तो और इसके साथ में समीशन लगा हुआ है आपके सामने कहां से कहां तक, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्लियर है। और इस वाले पार्ट को हम आगे वाली स्लाइड में सॉल्व करेंगे, तो एक बार देख ले जान से, इसको जैसे यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 21 by 12 means 7 by 4 तो बाहर आ जाएगा और पीछे रहेगा आपके सामने 6n plus 7 कटेगा, so 1 upon 6n minus 5 and minus 1 upon 6n plus 7, ठीक है, ये है। और इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस वाली टर्म को आप ध्यान में रखिएगा, आगे वाली स्लाइड में हम इसका यूज करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सो 7 बाई 4 इंटू दिस, सो देखिए कितना आएगा, देखिए ये टर्म थी हमारे सामने, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो हमारे सामने आएगा 7 बाई 4 बाहर है, 1 पुट करेंगे तो आएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1 माइनस, उधर 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 13 प्लस 2 पुट करेंगे तो 12 माइनस 5 दैट इज 1 बाई 7 माइनस, वहां पर 2 पुट करेंगे तो 1 बाई 12 प्लस 7 दैट इज 1 बाई 17 प्लस 3 पुट करेंगे तो 18 माइनस 5 दैट इज 1 बाई 13 एंड माइनस, वहां पर 3 पुट करेंगे तो 18 प्लस 7
दैट इज वन अपॉन कितना आएगा, थ्री पुट किया 18, 18 प्लस 7 दैट इज 25, और इस तरीके से क्या होगा आपकी आगे चलती रहेगी। तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ से ये वाली टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। लेकिन ध्यान से देखिए, जब आप सीक्वेंस में जा रहे हो तो फिफ्थ टर्म से आपकी सेकेंड टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो ऐसे जब आप और आगे चलेंगे तो आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, लेकिन आपकी ये दो टर्म बचेगी यहाँ से, 1 और 1/7। एक चीज और साथ में, जब भी सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जाती है तो आपको लास्ट वाली टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बस इनिशियली आपकी जो दो टर्म्स बची है, ठीक है, वही आपका आंसर का पार्ट रहेगा। सो 7/4 इंटू 1 प्लस 1/7, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 प्लस 1 दैट इज 8/7, सो 7/4 इंटू 8/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 2। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर कितना था, 2 था। तो जो पहला ऑप्शन था आपका, ये क्या था, सही आंसर था। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 1, और साथ में दिया गया है कि फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है इस एपी का वो 369 है। देन द फर्स्ट एंड द 9th टर्म ऑफ जीपी कोइंसाइड विद द फर्स्ट एंड 9th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, एपी और जीपी की फर्स्ट और 9th टर्म्स क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो फिर आपको बताना है कि इसकी जो 7th टर्म होगी अगर वो T7 है तो T7/3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। देखिए चलिए बात करते हैं, एपी की फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, दैट मीन्स हमें ए दिया हुआ है दैट विल बी 1। साथ में हमें क्या दिया गया है इसके अंदर, इसका कॉमन डिफरेंस दिया, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया, फर्स्ट 9 टर्म का सम दिया गया है S9 दैट विल बी इक्वल टू 369। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से देखते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। क्लियर है, तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 369 विल बी इक्वल टू 9/2 फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इंटू ए दैट इज 1 प्लस N-1, N9 है सो देयर विल बी 8 इंटू डी। तो ये आ जाएगा हमारे सामने, इसको अगर हम काट दें यहाँ से 9 से तो ये आ जाएगा 41, इस 2 को उधर से डिवाइड कर दें सो 41 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 डी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें डी की वैल्यू मिल रही है 10। डी की वैल्यू 10 मिल रही है, तो हमें ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि इस जीपी की फर्स्ट और 9th टर्म जो होगी वो एपी की फर्स्ट और 9th टर्म के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई है दैट विल बी 1। अब हम जीपी की 9th टर्म देखते हैं T9, तो जीपी की जो 9th टर्म होगी वो एपी की 9th टर्म के इक्वल है, क्योंकि जीपी के तो हमें दिया हुआ नहीं कॉमन रेशियो, बट ये दिया गया कि उसकी 9th टर्म इसकी 9th टर्म के इक्वल है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि क्या होगा, 1 प्लस 8 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 10। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पर एपी का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया कि इसकी जो 9th टर्म है और एपी की जो 9th टर्म है वो सेम है, तो जीपी के लिए भी हमने यहाँ पर क्या यूज किया, एपी का फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं, T1 और T9 मिल चुका है, तो T9 की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अब कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, T9 का मीन्स होता है A इंटू आर टू दी पावर 8 विल बी इक्वल टू 81, A 1 है सो आर टू दी पावर 8 इक्वल टू 81, सो यहाँ से इसका कॉमन रेशियो मिल गया दैट इज √3, आर इक्वल टू 81 की पावर 1/8, उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा √3। क्लियर है, कॉमन रेशियो आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं, सो T7 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू A1 इंटू आर टू दी पावर √3 की पावर 6 एंड होल डिवाइड बाई 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको, अच्छा ये हम कर चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा बाइनोमियल से रिलेटेड है, और क्या दिया गया है देखिए, और क्या पूछा गया है हमें, ये दिया गया है कि इसकी 6th टर्म एक्सपेंशन की जो है वो 5600 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बाइनोमियल के अंदर 6th टर्म जब भी हमें निकालनी है तो हम उसको क्या लिखेंगे, T5+1, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 8C5 इंटू 1 अपॉन x टू दी पावर 8/3
इंटू हॉल टू दी पावर 8 माइनस 5, सो दैट इज 3, और साथ में मिलेगा एक्स स्क्वायर और इंटू लॉग 10 एक्स एंड हॉल टू दी पावर 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू आपको कितना दिया गया 5600, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आता है देखे, तो यहाँ से देखिए x क्यूब से आपके सामने क्या होगा, x की पावर 8/3 है, सो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8 × 7 × 6/6, ठीक है ना, NCR को ये करने का तरीका होता है, ठीक है, 8C5 को आप 8C3 लिख सकते हो, और फिर इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपके सामने 1/x^8, ये आएगा x^10 इंटू लॉग 10x^5 विल बी इक्वल टू 5600, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखिए 6 से 6 कट जाएगा और 56 से 56 कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर के आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 10x^5 विल बी इक्वल टू 100। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए आपको आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि एलजेब्रा और लॉग एक साथ है, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ग्राफ्स वगैरह बनाने होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो इधर देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्स स्क्वायर है, उधर 100 है, तो ऐसा लग रहा है इसे 10 के ऊपर 100 आ रहा है, लेकिन ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, तो ये देखिए 10 पर 1 हो जाएगी, और दूसरा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप सीधा कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, क्लियर है। बाकी ग्राफ से भी आपको आइडिया ही लगेगा कि सॉल्यूशन कहाँ पर आएगा, ठीक है ना, फाइनली तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको फिर यहाँ पर हीट एंड ट्रायल का यूज करना है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन बाइनोमियल से, और इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको एक टर्म दी गई है और ये बोला गया है कि ये p प्लस f है, जहाँ पर p नेचुरल नंबर और f आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, मीन्स ये देखिए कोई भी एक इरेशनल नंबर है, इसमें जैसे आप n की कुछ पावर्स करेंगे, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आ गई 85.47, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया 85.47, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 85 है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.47 है, ठीक है, तो इसी तरीके से इसको लिखा गया है p प्लस f के फॉर्मेट में, तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस पी एफ माइनस पी, तो इसको देखिए थोड़ा सा पहले फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ से एफ कॉमन आ रहा है तो पीछे बचेगा हमारे सामने एफ माइनस वन, और यहाँ से पी कॉमन आएगा तो ये भी बन जाएगा एफ माइनस वन, इस पूरे में से एफ माइनस कॉमन आ जाएगा तो पीछे ये बच जाएगा एफ प्लस पी, और इस एफ माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस एफ बार माइनस साइन, और ये बन जाएगा पी प्लस एफ। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो नंबर है हमारा 5 + 2√6 ऑल टू द पावर एन, एक तो यही नंबर है जिसको आपको लिखा गया है पी प्लस एफ, ठीक है, और साथ में आपके हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, हम इस जो इरेशनल पार्ट है ना इसका साइन चेंज करके और इसको एक बार दोबारा लिखेंगे, सो देयर विल बी 5 − 2√6 n, और ये जो पार्ट आएगा ना ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है आपके सामने 5 − 2√6, ठीक है, ये कितना होगा, ये आपके सामने 0. something होगा, और 0. something की जब भी कोई आप नेचुरल नंबर में पावर करोगे तो वो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, उसमें इंटीग्रल पार्ट होगा ही नहीं, तो फिर ऊपर वाले में क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर था ना वो 1 से बड़ा था, और ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर होता है, ठीक है, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, वो कितना होता है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा, उसमें इंटीग्रल पार्ट उसका 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो ऐड करने से देखिए इधर मिलेगा मेरे को पी प्लस एफ प्लस एफ डेस, क्या आएगा, पी प्लस एफ प्लस एफ डेस, और इधर मैं अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए कुछ बाइनोमियल टर्म कैंसिल आउट होकर के ये आएगा 2 NC0 × 5⁴ n एंड सो ऑन, मीन्स इस टाइप से हमारे सामने बहुत सारी टर्म्स आएगी और कुछ टर्म कट जाएगी और कुछ टर्म्स डबल हो जाएगी, क्लियर है, और इसके अंदर जो भी अब टर्म बचेगी ना हमारे सामने वो सारी की सारी कैसी होगी, वो इंटीग्रल टर्म्स होगी, उसके अंदर कोई भी आपके सामने इरेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये जो पार्ट होगा ना ये एक इंटीजर होगा, तो ये होगा 2 ए इंटीग्रल पार्ट, मीन्स ये एक इवन इंटीजर है, और अगर ये एक इवन इंटीजर है तो
तो राइट हैंड साइड में जो टर्म है आपके सामने पी प्लस एफ प्लस एफ डैश, वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी एक इवन इंटीजर होनी चाहिए। या अभी सिंपल एक बात करें हम, वो क्या होनी चाहिए, वो एक इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर है? तो p हमारा पहले से इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। और कैसा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों ही फ्रैक्शनल पार्ट्स है, ठीक है, जिन दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। दो फ्रैक्शनल पार्ट्स जो दोनों 0 से 1 के बीच में है, तो जब दोनों को ऐड करने से अगर कोई एक इंटीजर आ सकता है तो वो क्या आ सकता है, वो सिर्फ 1 आ सकता है। क्यों? 0 से 1 के बीच में कोई भी दो नंबर्स है और दोनों फ्रैक्शनल के अंदर है, आप कोई भी दो नंबर लेकर के देखिए और आपको एक इंटीजर लेके आना है, तो सिर्फ एक ही इंटीजर पॉसिबल है, दैट इज 1। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं 1 माइनस एफ जो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश के इक्वल होगा। क्लियर है? हमें यही चाहिए था, क्योंकि हमारे वहां पर पी प्लस एफ जो था वो तो हमें पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन 1 माइनस एफ नहीं पता था। और 1 माइनस एफ किसके इक्वल है, जो हमने एफ डैश जिसको माना था ना, उसके इक्वल है। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करके और इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन 1 माइनस एफ है आपका 5 माइनस 2√6 की पावर एन, और ये है आपका 5 प्लस 2√6 की पावर एन। तो दोनों पे पावर सेम है, तो आप एक साथ लगा सकते हैं, दैट इज एन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -25 - 24 की पावर एन, और ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन तो आपसे पूछा गया था, वो हमेशा कौन से नंबर के इक्वल है, दैट इज -1। तो ये आपके सामने क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो क्या है, चलिए बात करते हैं। एनसीआर वाले फॉर्मूले में हम एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, और वही आइडेंटिटी आपकी इसके अंदर लगेगी, ठीक है ना। दो एनसीआर टर्म्स को एड किस तरीके से करते हैं, क्या तरीका होता है, और वही फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। चलिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो NCR जो है, ठीक है, जैसे K+1 CK, K+2 CK, आपको NCK, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, NCR को, ठीक है ना। जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल है, NCR के। क्लियर है? सो चलिए बात करते हैं। जो KCK है हमारे सामने, ठीक है, इसको हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, K+1 CK। कैसे लिख सकते हैं, देखो एक मिनट, K+1 CK+1। क्यों? क्योंकि देखिए KCK है, उसकी वैल्यू भी 1 है, और K+1 CK+1 इसकी वैल्यू भी 1 है। क्यों? क्योंकि NCN जो ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो K को अगर आप किसी भी दूसरे नंबर से चेंज भी कर देंगे तो वो कितना होगा, वो K+1 ही होगा। तो साथ में दूसरी जो टर्म है वो है आपके सामने K+1 × CK। अब देखिए ऐसा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसके अंदर ऊपर नंबर सेम होता है और नीचे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है, तो उनका जो सम हो जाता है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो ऊपर वाले नंबर में एक एडिशन हो जाता है और नीचे वाले जो नंबर है उसमें से जो बड़ा नंबर है वो आ जाता है। तो ये आपके पहली दो टर्म का एडिशन है। अब इसके अंदर जब हम तीसरी टर्म ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा तीसरी टर्म क्या है, K+2 CK। फिर से देखिए वापस वैसा ही बन गया, ऊपर सेम बन गया K+2 और नीचे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो वापस क्या आएगा हमारे सामने, K+3 CK+1। और इसी तरीके से हम आगे ऐड करते रहेंगे। तो देखिए जब हमने ये वाली टर्म ऐड की K+2 CK+1, तो ऊपर K+3 आया और नीचे सेम रहा आपका, ठीक है। तो ऐसे जब आप लास्ट टर्म जाकर के ऐड करेंगे NCK, तो क्या होगा, ऊपर तो एक बढ़ जाएगा N+1 और नीचे जो है वो आपके सामने क्या रहेगा, वो आ जाएगा K+1, ठीक है ना। अच्छा, ये पहले वाली टर्म थी, इसके अंदर भी एक बढ़ गया और लास्ट वाला जो नंबर था K था, उसमें भी जो भी टर्म, जैसे तीसरी टर्म हमने ऐड की तो ऊपर में भी एक बढ़ गया, नीचे में भी एक बढ़ गया। तो ऐसे चलते चलते जब लास्ट टर्म तक जाएंगे तो ऊपर भी एक बढ़ जाएगा और नीचे भी एक बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा हमारे को कोई ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है N+1 K+1। सो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एक्स सी वाई के इक्वल है, तो एक्स की जगह पर N+1 और के की उसकी जगह पर कितना है, K+1। क्लियर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखिए ये पैसेज का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको तीन नंबर्स दिए गए हैं, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई टू एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये जो तीनों टर्म्स है हमारी, तीनों टर्म्स किसके अंदर है, जीपी के अंदर है, क्लियर है। और आपको जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर यही पूछा गया है कि इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, क्लियर है। सो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और वहां से देखते हैं कि एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो क्या क्या आ सकती है। तो ये तीनों नंबर्स अगर देखिए जीपी के अंदर है, तो यहाँ से आप जीपी की कंडीशन लगाएंगे। अगर तीन नंबर्स जीपी में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि जो पहला नंबर का स्क्वायर जो होगा हमारे सामने, ग्रेट मिडिल नंबर का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर, दैट इज फोर, ये किसके इक्वलेंट होगा, ये होगा आपके पास में फर्स्ट और थर्ड नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, और दैट इज एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्लियर है। ये हमारे सामने क्या आ गई, कंडीशन आ गई। अब हमें इस कंडीशन का यूज करते हुए क्या करना है, एक्स की वैल्यूज देखनी है क्या होगी। तो देखिए हमारे सामने तीनों टर्म आ रही है, एक्स फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप क्या करें कि किसी भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करें इसको पहले, या तो फ्रैक्शनल के अंदर या ग्रेटेस्ट के अंदर। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शनल के अंदर अगर कन्वर्ट करता हूं तो देखिए कितना आ रहा है। तो एक्स को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और साथ में है हमारे सामने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इधर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब देखिए ये आपके सामने एक्स और फ्रैक्शनल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के फॉर्मेट में क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू 4, सो दैट इज 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद में अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और साथ में ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को अगर टी मान लूं, ठीक है ना, इसको क्या मान लिया, टी मान लिया, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा जो मैंने उधर रखी है। तो ये बनेगा देखिए 4t स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 4t और यहां पर आएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको अच्छी इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4ac, सो देयर विल बी अगेन 16 डिवाइड बाय 8। तो यहां से आपको टी की दो वैल्यूज मिलेगी, दैट इज माइनस, उसमें से 16 को कॉमन लेना, सो -1 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है हमारे सामने, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से जो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी डिफाइंड रेशियो आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ से आपको t की जो वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, वो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है जो आएगी √2 -1 डिवाइड बाई 2, क्लियर है। अब यहाँ से हम हमारे पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो पार्ट्स क्या होंगे, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। ये हमने इक्वेशन को सोल्व किया था, ठीक है, और यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिली, टी क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखिए पहली क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कॉमन रेशियो क्या होगा जीपी में, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड टर्म थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 2, तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास ऊपर। और मेरे को टी की वैल्यू पता है, मींस मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू पता है, और वो कितनी है, √2 -1 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 2 टाइम √2 -1 डिवाइड बाय 2, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे को मिलेगा √2 -1, और √2 -1 यहाँ से कौन से ऑप्शन के इक्वल है, तो ये है मेरे पास में 10π/8 के इक्वलेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10π/8 की जो वैल्यू होती है वो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, वो होती है √2 -1। सो चलिए आगे बात करते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। उसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया है कि सबसे पहले तो एक्स जो है ना वो 1 से 2 के बीच में है, क्लियर है, और x अगर 1 से 2 के बीच में, देन प्रोडक्ट ऑफ दी फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो इस जीपी की जो पहली तीन टर्म है उनका प्रोडक्ट क्या होगा।
तो देखिए जो हमारे सामने जो तीन टर्म थी जीपी की वो क्या क्या थी, वो थी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई टू एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्लियर है। तो जो हमारी पहली टर्म है इसके अंदर टी वन, ठीक है, अगर एक्स मेरा वन से टू के बीच में है तो एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वो एक्स के इक्वल ही होगी, जो भी वन से टू के बीच में होगा वो एक्स एज इट इज आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, क्योंकि वन से टू के बीच में है तो ये नंबर बन जाएगा मेरे पास में वन बाई टू, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है मेरे पास में, ठीक है ना, वो कितना होगा, तो उसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस, क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए एक्स इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब एक्स क्या होगा मेरा, ठीक है, तो एक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो था हमारे सामने वो किसके इक्वल था, वो था टी के इक्वल, ठीक है, और टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रूट टू माइनस वन, तो यहाँ से देखिए हम एक्स निकालेंगे। एक्स अगर आपके पास में वन से टू के बीच में है तो ये होगा एक्स माइनस वन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वन, दैट विल बी इक्वल टू टी। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस टी के इक्वलेंट, क्लियर है। और एक्स अगर वन प्लस टी के इक्वल है तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं वन प्लस टी, एक्स की वन प्लस टी, तो ये बन जाएगा टी एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है। और x की जो हमारे पास में वैल्यू, t की जो वैल्यू आई थी रूट टू माइनस वन बाई टू, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा देखिए, t की जगह पर रूट टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, वन प्लस टी कितना हो जाएगा इसमें, अगर वन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन बाई टू, एंड एक होल डिवाइड बाई टू है आपके सामने, तो इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वन बाई एट। तो जो पहली जो तीन टर्म्स होगी, ठीक है ना, उन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा हमारे सामने वो कितना आएगा, वो आएगा 1 बाई एट। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 बाई एट, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाइनोमियल से रिलेटेड है अगेन, ठीक है, और इस बाइनोमियल सीरीज को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग अगेन दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन दोनों का हमें आंसर देना है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो सीक्वेंस हमें दी गई है यहाँ पर, इस सीक्वेंस को अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूं टी आर, तो देखिए वो किसके इक्वल होगी, टी आर विल बी इक्वल टू थ्री की पावर के, फिर माइनस थ्री की पावर के माइनस वन, फिर थ्री की पावर के माइनस टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू थ्री टू दी पावर के माइनस आर, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो जैसे ही जीरो पुट करूंगा तो माइनस थ्री की पावर के आ जाएगी, ठीक है, सबसे पहली टर्म, ठीक है, दूसरी टर्म आ जाएगी माइनस थ्री, जैसे ही आर इक्वल टू वन पुट करूंगा, ठीक है, तो अब मेरे पास में आ जाएगा थ्री की पावर के माइनस वन, और ऐसे ही और एक काम करें इसके अंदर इसको भी बाहर निकाल दें आप, ठीक है, टी आर विल बी इक्वल टू माइनस साइन को बाहर रखें, माइनस वन की पावर आर, साथ में आएगा थ्री की पावर के माइनस आर, और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम 100 सी आर, ठीक है ना, 100 सी जीरो के लिए, और फिर 100 सी के, देखिए इसमें तो सब जगह ऊपर 100 है बट इसमें कम हो रहा है, 100 के बाद 99, 99 के बाद 98, तो इसको ऊपर वाले को लिखेंगे 100 माइनस आर इंटू सी, नीचे देखिए बढ़ रहा है आपके, नीचे भी कम हो रहा है के, के माइनस वन, के माइनस टू, सो दैट इज के माइनस आर, तो ये आपकी जनरल टर्म हो जाएगी, क्लियर है। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, किसी भी एक टर्म को देखें और उसके अंदर आर की वैल्यू वो पुट करने से आपके सामने ये सीक्वेंस आ जानी चाहिए। और समीशन कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, आर इक्वल टू जीरो से लेकर के कहाँ तक जाना है, ऊपर लास्ट के अंदर, क्योंकि 100 है और उधर आपके सामने वो है, ठीक है, तो एन तक आपको क्या करना है, जाना है, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फैक्टोरियल अभी क्योंकि ये इस तरीके से सॉल्वेबल नहीं लग रही है, ठीक है, तो ये एनसीआर वाली जो टर्म है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके देखें कितना आ रहा है। तो यहाँ से आएगा देखिए 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू 100 माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर है हमारे सामने अगेन 100 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय 100 माइनस आर के माइनस आर, सो दैट विल बी 100 माइनस के फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा के माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसा होने से क्या हुआ, देखिए ये टर्म कट गई,
ठीक है ना, ये टर्म एज इट इज रहेगी इधर वाली, तो इनिशियली थी मेरे पास इंटू 3 की पावर के माइनस आर, ये एज इट इज रह जाएगी, क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं, ये कैंसिल आउट होने के बाद में आपके सामने ऐसा आ गया, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि हमारे यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है, आर है, तो आर वाली टर्म को एक साथ में यूज करते हुए हमें फैक्टोरियल की टर्म बनानी है। तो देखिए आर फैक्टोरियल और के माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है, आर फैक्टोरियल और के माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है, तो अगर मेरे पास में ऊपर के फैक्टोरियल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, के फैक्टोरियल के माइनस आर और आर फैक्टोरियल, बट के फैक्टोरियल है नहीं तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए नीचे क्या बचा, नीचे बचा 100 माइनस के फैक्टोरियल और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 100 फैक्टोरियल। तो ये देखिए दूसरी वाली जो टर्म है ना वो भी आपकी क्या बन गई, वो भी एनसीआर के फॉर्मेट में बन गई, 100 के और 100 माइनस के। इधर से आपके सामने 3 की पावर माइनस 1 की पावर आर था, यहाँ पर माइनस 1 की पावर आर, 3 की पावर के डिवाइड बाई 3 की पावर आर और इंटू समीशन। ऐसा क्यों लिखा हमने, ठीक है, ताकि हम इसको क्या कर सके, इसको यहाँ से 3 की पावर जितनी जहाँ जहाँ पर भी k है उन सारी टर्म्स को क्या कर सके, बाहर निकाल सके, क्योंकि k हमारा वेरिएबल नहीं, वेरिएबल क्या है, r है, समीशन हमने r पे लगा रखा है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए समीशन ऑफ 3 की पावर k बाहर आ जाएगा, साथ में देखिए ये वाली जो टर्म बनेगी हमारे सामने, एक बार लिख लें इसको, ठीक है, बाकी टर्म्स को सबको, माइनस 1 की पावर r डिवाइड बाई 3 की पावर r और साथ में यहाँ पर कितना आएगा, ये बनेगा के सी आर। तो इसके अंदर आपके सामने r वेरिएबल टर्म है, लेकिन उसमें देखिए कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, 100 सी के बन गया वो, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल टर्म क्या है, यहाँ पर समीशन किस पे लगा हुआ था, r पर, r इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, क्लियर है। अब देखिए 3 की पावर k पहले से बाहर था, ठीक है, और यहाँ से 100 सी के भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अंदर अगर आप इस एक्सपेंशन को देखेंगे तो ये है आपके सामने 1 - 1/3 की पावर कितनी, 100 नहीं, 100 नहीं, k, ये कहां तक जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेकर के k तक, ठीक है ना, लास्ट में इसकी जो पावर थी वो क्या थी, k। अब देखिए इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 3 की पावर k इंटू 100 सी के इंटू 2 की पावर k डिवाइड बाई 3 की पावर k। तो देखिए ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई और आपको मिलेगा 100 सी के इंटू 2 की पावर के, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका एस के, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया था, जो पहले वाली जो टर्म थी ना उसको आपने सिंपलीफाई कर लिया और सिंपलीफाई करके और उसकी आपने वैल्यू निकाली और वो किसके इक्वल आ रही है, वो आ रही है एस के विल बी इक्वल टू 100 सी के इंटू 2 की पावर के। अब देखिए एस के अगर आपके सामने ये है, ठीक है, 100 सी के इंटू 2 की पावर के, तो अब आप अपने क्वेश्चनों को देख सकते हो, क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो अभी यहाँ पर आपको पूरा पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसमें हमने इस एस के को सिंप्लीफाई कर लिया है, साथ में देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म और दी गई है वी के, ठीक है, तो वी के जब आप निकालेंगे तो वो किसके इक्वल है, वो है 100 सी के, ठीक है ना, एम सी के, एम 100 के का मतलब क्या हो गया, 100 सी के, या वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम 100 के है वो। तो यहाँ पर जब आप एस के की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, वी के की वैल्यू आ जाएगी जिसको हमने एम 100 के से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है ना, वो किसके इक्वलेंट आ गया, वो इक्वलेंट आ जाएगा 100 सी के, ठीक है ना, वहां से 2 की पावर के क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्लियर है। तो ये जो दोनों टर्म्स है इसके करस्पॉन्डिंग हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको करना है sk into s 100 minus k for k equal to 0 to 100, ठीक है ना, 0 से लेके 100 तक आपको क्या करना है, sk और s 100 minus k को मल्टीप्लाई करना है। तो sk का मतलब हो गया 100 ck और साथ में आएगा 2 की पावर k, और s 100 minus k का मतलब हो गया 100 minus k सी के और साथ में कितना आ जाएगा, क्योंकि जो पावर 2 की पावर के है वहां पर कितना आएगा, जो आर है जो यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 100 माइनस के, क्लियर, एस के और एस 100 माइनस के। तो एस के का मीनिंग क्या था, 100 सी के, तो यहाँ पर नीचे के आया था, ठीक है, वैसे 100 माइनस के का क्या होगा, ऊपर आपके सामने 100 रहेगा, ठीक है, ऊपर 100 ही रहेगा और नीचे आपके सामने कितना आ जाएगा, सी
एस 100 माइनस के का क्या मीनिंग हो गया, 100 माइनस के और साथ में 2 की पावर 100 माइनस के, क्लियर है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो देखिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर के और 2 की पावर माइनस के, सो 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा और साथ में आपके सामने रहेगा 100 सी के इंटू 100 सी 100 माइनस के। और ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, जब हम दो दो का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर नीचे वाला अगर हमारे पास में आर्ग्यूमेंट अगर सेम दोनों का सम अगर कांस्टेंट रहता है, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है 100 आएगा हर बार, ठीक है, तो ये आपके सामने किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर एक्स की पावर के का कोएफिशिएंट, और वो जो कितना आएगा आपके सामने वो आएगा 200 सी 100, ठीक है, और इनटू साथ में कितना रहेगा 2 की पावर 100, ठीक है, ये आप लोगों को करना आता होगा। देखिए 100 सी के कैसे निकालेंगे हम, 1 प्लस एक्स की पावर 100 के अंदर एक्स की पावर के का कोएफिशिएंट, क्लियर है, ये इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना, इसको पूरा एक्सपेंशन के बाद में इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 100 और इसके अंदर से निकालेंगे एक्स की पावर 100 माइनस के का कोएफिशिएंट। तो जब दोनों का आप एक साथ देखोगे ना तो आपको एक्स की पावर जो 100 होगी, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के अंदर एक्स की पावर 100 का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका ये कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है, और ये कोएफिशिएंट इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर हम किस में से निकालेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 200 में से एक्स की पावर 100 का कोएफिशिएंट जो कितना आएगा 200 सी 100 आएगा, क्लियर है, और साथ में कितना है 2 की पावर 100। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या कितना होगा, 2 की पावर 100 इंटू 200 सी 100, क्लियर है, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका वीके से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आपने को ये समझ में आ गया कि वीके इस चीज के इक्विवेलेंट है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए एम 100 सी 49 का क्या मीनिंग हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग दैट विल बी 100 सी 49 एंड प्लस एम 100 50 का क्या मीनिंग हुआ, 100 सी 50। तो ये देखिए दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम जो पीछे हमने प्रॉपर्टी यूज की थी वही प्रॉपर्टी, ये कितना आ जाएगा 101 इंटू सी 50, ठीक है, ऊपर एक ऐड हो जाएगा और नीचे में से जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। लेकिन देखिए 101 सी 50 कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसमें तो 101 है ही नहीं, इन दोनों में है, लेकिन एक में 49 है और एक में 51 है, लेकिन 50 किसी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक NCR की प्रॉपर्टी होती है वो लगेगी और ये नंबर आपका इसके भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, NCR जो होता है वो NCN-R के इक्विवेलेंट होता है। तो आप 50 की जगह क्या कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस भी कर सकते हो, दैट इज 51। तो इस तरीके से इसका भी जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एपी और एचपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स दी गई है। सो सबसे पहली चीज है, देखिए A1, A2, A3 अप टू A11 बी इन AP एंड H1, H2, H11 आर इन HP, क्लियर है। A1 और H1 की वैल्यू 4 है, A11 और H11 की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम AP के अंदर, अगर किसी भी AP की आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, उस HP की अगर पहली टर्म और लास्ट टर्म के अगर इक्विवेलेंट अगर दे दी जाए, ठीक है, तो उनकी जो टर्म्स होती है, ठीक है, जो पहली टर्म और आखिरी टर्म का जो प्रोडक्ट होता है A1 into HN, ये इक्वल होता है आपके सामने A2 into HN-1, ठीक है ना, ये इक्वल होता है आपके सामने A3 into HN-3 एंड सो ऑन। और ये कब होता है, जब इनकी पहली टर्म और आखिरी टर्म क्या होती है, सेम होती है। और अगर हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए A4 इंटू H8 किसके इक्वल होगा, देखिए इधर से फोर्थ टर्म और आपके पीछे से कौन सी टर्म है, एट टर्म, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पर कितनी है आपके सामने 11, ठीक है, तो 11, 10, 9 और 8, तो ये आगे से फोर्थ टर्म है और ये आपके पीछे से फोर्थ टर्म है, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा A1 इंटू H11 के, और A1 की वैल्यू हमारे पास में 4 है और H11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9 है, सो देयर विल बी 36,
क्लियर है, तो ऑप्शन पहला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, पहला करेक्ट हो गया तो दूसरा सिंपल सी बात होगी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा वापस, ए सिक्स इंटू एच सिक्स आगे पीछे से सेम पोजिशन वाली टर्म से आपके सामने, तो ये 36 होगा फिर से जैसे ये आया था, तो 36 का रूट ये 6, ये भी आपका सही है। और ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि अगर आप इसमें ए एम जी एम लगाएंगे, ए सिक्स प्लस एच सिक्स डिवाइड बाई टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ और ए सिक्स एच सिक्स, और इसकी वैल्यू अभी अभी हम देखी थी 6 थी, सो 6 इंटू टू ये कितना हो जाएगा 6, सो ए सिक्स प्लस एच सिक्स जो होगा वो 12 या 12 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ दैट विल बी ग्रेटर देन 12, सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी को आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, एन कोई भी आप जनरल टर्म लेकर के, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि इसकी पहली और टर्म भी सेम है और इनकी आखिरी टर्म भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है, तब आपके सामने ये प्रॉपर्टी लगती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको तीन नंबर्स का सम दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड विल बी 9, और प्रोडक्ट के केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ए एम जी एम वाली इनइक्वालिटी लगती है, सारे केस में सेम ही तरीका रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी टर्म्स आपको हर पार्ट में दी गई है उतने पार्ट में आपको स्प्लिट करना है। जैसे यहाँ पर तीन टर्म दी हुई है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा तीनों नंबर्स पर इनइक्वालिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट और एक्स वाई जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 9, तो 9 बाई 3 27 हो जाएगा, और इधर इसका क्यूब हो जाएगा और उधर आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज लेस देन और इक्वल टू 27 का ये 3 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 बाई 3 3 होगा, 3 का जो क्यूब होगा दैट इज 27, ठीक है। सो 27 इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, सो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपको दूसरे पार्ट में लगाना है, ठीक है, दूसरे पार्ट में जब लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर चार टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो आपको उस वाले पार्ट को भी चार पार्ट में यूज करना है, एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही दिया गया है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि बस वही रहे और चार टर्म में आ जाए, डिवाइड बाई 4 will be greater than or equal to, अब ये किया ही हमने इसीलिए था ताकि हमारे सामने जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो टर्म बच जाए 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और होल टू दी पावर 1/4, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर वापस ये x प्लस वाई प्लस जेड बन गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड के 9 पुट करें, सो 9/4 होल टू दी पावर 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इधर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ से आपको आएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड विल बी लेस देन और इक्वल टू, एक हर फैक्टर को देखिए, यहाँ पर आएगा 3 की पावर कितना 4 इंटू 2 8, सो 3 की पावर 8, साथ में 2 की पावर आएगी यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 4 2 की पावर 8, और साथ में नीचे इधर से मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस 6, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो और ऐसा ही दिया गया है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ऐसे हम तीसरे पार्ट को करेंगे, चौथे पार्ट को करेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर इसको क्या करेंगे, x को x बाई टू एक्स बाई टू में और z को z बाई थ्री जेड बाई थ्री जेड बाई थ्री में स्प्लिट करेंगे, तो ये वाला आंसर आपका गलत आएगा, इसका इक्वलेंट नहीं आएगा सेम तरीके से। और ऐसे हम फोर्थ पार्ट को करेंगे, फोर्थ पार्ट का आंसर आपका सही आएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 इसका जो आंसर आएगा। लेकिन इसको ध्यान रखे, इसको जैसे हमने चार पार्ट में स्प्लिट किया था, इसको 6 में करेंगे, इसको 9 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें लाना x ही ऑल और, लेकिन एक्स स्क्वायर को लिख देंगे x बाई टू प्लस एक्स बाई टू। ऐसे y क्यूब से y चाहिए हमें, लेकिन y बाई थ्री प्लस y बाई थ्री प्लस y बाई थ्री तीन पार्ट में। और ऐसे z की पावर 4 में क्या करेंगे, z बाई 4 प्लस z बाई 4 प्लस z बाई 4 प्लस z बाई 4, ताकि z की पावर 4 भी आ जाएगा और चारों का सम भी किसके इक्वल आ जाए, z के इक्वल आ जाए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको पांच नंबर्स दिए गए हैं और इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है आपको कि x, y, 6, z और 9x आर इन 5 नंबर सच दैट फर्स्ट 3 आर इन AP
लास्ट 3 आर इन एच पी एंड 6 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई एंड जेड, देन द डिजिट जेड वाई एक्स किसके इक्वल होगा, ये किससे डिविजिबल है ये बताना है आपको। तो देखिए आप हर सीरीज को सॉल्व कीजिए, सबसे पहले एक्स वाई जेड आपके एपी में है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6, मीन्स ये कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ही लास्ट 3 नंबर्स आपके पास में एच पी में है तो वहाँ से कितना आएगा, देखिए वहाँ से आपको मिलेगा z विल बी इक्वल टू 2 टाइम 6 इंटू 9x डिवाइड बाई 6 प्लस 9x, 3 कॉमन ले लेना तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3x, तो एक 3 से इसको काट देना 2 टाइम, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 36x डिवाइड बाय 2 प्लस 3x, ये आपके सामने दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन में आपको दिया गया है 6 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है आपका y एंड z का, तो 6 को क्या लिख सकते हो, 36 विल बी इक्वल टू वाई जेड, ठीक है ना, x6 और z आपके पास में gp में है तो वहां से कंडीशन आ जाएगी 36 इक्वल टू वाई जेड। चलिए बात करते हैं कि इनसे एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो टर्म में आपके पास वाई जेड है, इसमें एक्स जेड है, इसमें एक्स वाई है, तो सबको एक में लाने के लिए उसमें वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि सारी टर्म्स एक्स में आ जाए, तो 36 की जगह पे 36 है, वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6 बाई 2, और जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 36x डिवाइड बाई 2 प्लस 3x, तो देखिए कितना आएगा, 36 कट जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस 6x विल बी इक्वल टू, इधर से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये कट जाएगा 6x और x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने प्लस माइनस 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो दिए गए नंबर्स, ठीक है ना, x, y, z, फर्स्ट 3 आर इन AP, लास्ट 3 इन HP एंड दैट विल बी, एक नंबर दिया गया है जेड वाई एक्स, तो जिसमें डिजिट्स यूज हो रहे हैं और डिजिट्स हमेशा कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2, एक्स की वैल्यू जब 2 लेंगे तो यहाँ से देखिए इस वाली कंडीशन से आपको वाई कितना मिलेगा, 6 प्लस 2 8 बाई 2 दैट इज वाई इक्वल टू 4, एक्स 2 मिल गया वाई 4 मिल गया, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जेड आ जाएगा, देखिए जेड कितना आ जाएगा, 36 इंटू 2 72 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 9, सो जेड हमारे सामने 9 है, वाई हमारे पास में 4 है और एक्स हमारे पास में 2 है, ठीक है, तीनों डिजिट्स आ चुके हैं, ठीक है, तो इन तीनों डिजिट से देखिए हम अपना नंबर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आपका 3 डिजिट नंबर जो है वो कितना था, वो था जेड वाई एक्स, जेड है 9, वाई था कितना आया था 4 और एक्स कितना आया था 2, 942, तो इसके जब आप फैक्टर्स करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली यही तीनों फैक्टर्स आएंगे, 2 × 3 × 157, ठीक है ना, ये जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3 और 157, दैट मींस ये तीनों उसके क्या हैं, फैक्टर्स है, और एग्जैक्टली यही तीन फैक्टर्स बन रहे हैं, और क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर्स है तो ये भी कहेंगे कि एग्जैक्टली 3 प्राइम नंबर्स जो है वो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, तो इस तरीके से इसके जो चारों ऑप्शंस है हमारे सामने वो क्या है, करेक्ट है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और उन नंबर्स से आपको इनमें से बताने हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। देखिए बात करते हैं, सबसे पहला जो नंबर है उसको क्या लिख सकते हो आप, m को, तो m को आप लिख सकते हैं 10^9 - 1, कैसे, देखिए आपके सामने 100 जो होता है, 99 जो होता है उसको लिख सकते हो आप 100 - 1, और 100 - 1 का मतलब क्या हुआ, 10^2 - 1, तो जब भी आपके पास में से 99 के फॉर्मेट में नंबर्स होते हैं तो जितने 9 होते हैं उतना 10 की पावर में आ जाएगा और साथ में आ जाएगा -1, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन चलता है हमेशा, तो m है 10^9 - 1, ऐसी n आएगा हमारे सामने 10^6 - 1, और ऐसे ही हमारे सामने p आएगा दैट इज 10^3 - 1, तो ये तीन नंबर्स है, ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस को अगर करेंगे तो हमारे को बेटर तरीके से दिखाई देगी हर चीज और हम उसका आंसर दे सकते हैं। m और p को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा, देखिए 10^9 - 1 into 10^6 - 1, आपको देखना है क्या ये इसके स्क्वायर के इक्वल है या नहीं, तो बिल्कुल इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 10^ m into p करना है,
ठीक है ना, m इंटू पी दैट इज 10 क्यूब माइनस 1। तो देखिए कितना आएगा, 10 टू दी पावर 12 तो आ जाएगा, लेकिन साथ में आएगा माइनस 10 टू दी पावर 9 माइनस 10 क्यूब और प्लस 1। जबकि इसका स्क्वायर करेंगे हम n का तो हमें मिलेगा 10 टू दी पावर 12 तो आएगा, लेकिन साथ में आएगा माइनस 2 टाइम 10 टू दी पावर 6 और प्लस 1। ठीक है, तो ये पहला नंबर और आखिरी नंबर सेम है, लेकिन जो बीच वाले जो नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों में क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही नहीं है। सिमिलरली आपको बाकी ऑप्शंस को देखने हैं। ठीक है, तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें तो आपको इन नंबर्स की भी जरूरत नहीं है। एन बाई पी, एन को पी से डिवाइड करना है, तो देखिए 9 कॉमन आकर के कट जाएगा, तो आपके सामने रहेगा 6 डिवाइड बाई 111। ठीक है ना, ये नंबर है और इसको 111 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बार 1 आएगा, फिर 00 आएगा और फिर आपके सामने वापस 111 है, क्योंकि दो बार डिवाइड होगा नहीं और फिर वापस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे वाले जो दोनों ऑप्शन है, ठीक है, उनको करने के लिए आपको वापस इसी फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से आप इजीली पता कर सकते हैं। n माइनस 2p, इसको में से अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए n माइनस 2p जो आएगा वो आएगा 10 टू दी पावर 6 माइनस 2 10 क्यूब, और इसमें से देखिए ये माइनस 1 है लेकिन वहां पर प्लस 2 हो जाएगा, सो ये प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, n में से p स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको स्क्वायर करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें से एक 2 कॉमन आ रहा है, और एक 2 अगर कॉमन आ रहा है दैट मीन्स वो आपके सामने क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको फिर से क्या दिया गया है, इसमें आपको सम ऑफ द सीरीज दिस विल बी इक्वल टू, इस सीरीज का सम किसके इक्वलेंट है। तो देखिए 100 यूज हो रहा है, तो सबसे पहले वही हम 1 प्लस एक्स की पावर, जैसे अभी जो मैं पीछे जो बता रहा था, ठीक है ना, वो आप इस क्वेश्चन में और इजीली समझ सकते हो, ये किसके इक्वल होगा, 100 C0 प्लस 100 C1 X प्लस 100 C2 X² एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके की एक सीरीज होगी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपको दूसरी बार में क्या चाहिए, यहाँ पर साथ में कोएफिशिएंट्स चाहिए 1, 2, 3, 4, वो तब आते हैं जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 99, और ये आ जाएगा इधर से, ये जीरो हो जाएगा, 100 C1 प्लस 100 C2 टू टाइम एक्स प्लस 3 टाइम 100 C3 इंटू X² एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे। अब देखिए आपको कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सीरीज बननी चाहिए। तो देखिए 100 C1 तो यहाँ पर भी है, 100 C1 तो यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 आएगा, फिर यहाँ से x का कोएफिशिएंट 3 आ रहा है, फिर आगे x का कोएफिशिएंट 5 चलेगा, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है कभी भी, ठीक है, आपको ऐसा करना होता है जिससे क्या है, x का कोएफिशिएंट सेम रहे। तो आप 100 C1 की बजाय एक काम करें, क्योंकि पीछे से जो 100 C99 जो होता है वो भी 100 C1 के इक्वल ही होता है, और उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है, X^99। तो उसको और इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और आपको यही टर्म मिलेगी 100 C1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को और इसके पहले वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 98 होगा और यहाँ पर X² होगा, तो आपको ऑल ओवर क्या मिली, एक्स की पावर 100। ठीक है, तो एक तरीके से अब जब भी आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इसको, तो जो x की पावर जो 100 का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या है, वो इसके इक्वल है, कौन सा, x की पावर 100 का कोएफिशिएंट। और क्योंकि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है इन दोनों के इक्वलेंट है, तो यहाँ से जो x की पावर 100 का जो कोएफिशिएंट होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 की पावर x 199। क्यों, क्योंकि यहाँ से x की पावर 100 का कोएफिशिएंट निकालना ईजी है। तो इसमें से जब आप x की पावर 100 का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 100 × 199 C100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप में जब भी देखिए बाइनोमियल के अंदर अगर आपके सामने कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आता है, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, नंबर्स आते हैं साथ में, ठीक है, तो आपको उस हर क्वेश्चन को करने का यही प्रोसेस होता है। ठीक है, नीचे से आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स को सेम करके ऐसा करना है जिससे एक्स की पावर क्या बन जाए, कॉन्स्टेंट बन जाए। क्लियर है,
और ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो है वो फोर्थ ऑप्शन के इक्वलेंट है, तो आपको वो भी चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो फोर्थ ऑप्शन के इक्वलेंट है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो या तो आप बाकी ऑप्शंस को कन्वर्ट करके देखें कि इस ऑप्शन के इक्वलेंट है या नहीं, या इसको कन्वर्ट करके देखें कि बाकियों के इक्वलेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसको करना थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशंस करने होंगे, डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखिए ये सही हो गया तो ऊपर वाला तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में फैक्टोरियल टर्म अलग अलग आएगी। इसमें 100 तो कॉमन है दोनों में, यहाँ पर ऊपर 100 फैक्टोरियल आएगा उसमें 200 है, और नीचे इसमें 99 और 100 आएगा उसमें 100 और 100 है, तो वो तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो बट ये दोनों में से चेक करते हैं, और बाकी आप उसको भी सिंप्लीफाई करके कर सकते थे, 50 × 200 को लिख सकते हो आप 200 × 100। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 199, तो ऊपर से एक 200 को कॉमन ले लिया, सो 50 × 200 ऊपर बन गया 199 फैक्टोरियल। नीचे क्या बनाना है, नीचे एक तो 100 फैक्टोरियल ही चाहिए और एक को 99 बनाना है, तो एक 100 को बाहर निकाल लिया तो पीछे बच जाएगा 99 फैक्टोरियल। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो ये हो जाएगा 50 × 200 और ये बन जाएगा आपका 199C99, जो कि फोर्थ ऑप्शन के इक्वलेंट है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप पहले ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ठीक है ना, ये जो आपने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें इवन वाले जो फैक्टर्स होंगे ना उसमें से कॉमन निकालना होगा। 100 × 199 जो है उसको लिखा 199 × 198 up to so on, डिवाइड बाई, नीचे है आपके सामने 99 फैक्टोरियल और साथ में जो है 100 फैक्टोरियल, उसको 100 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। क्लियर है, चलिए। सो जितने भी 2 के फैक्टर्स है ना उन सब में से क्या कर लीजिए, जैसे 100 को छोड़ दीजिए, बाकी अंदर जो जितने भी फैक्टर्स है 198 196, जो फैक्टोरियल वाली जो टर्म थी उन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके सामने बाहर कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 99, क्योंकि हर में से सारी टर्म प्रोडक्ट के अंदर है और हर जगह से एक एक 2 आएगा तो टोटल 99 टाइम्स आएगा। इसके बाद में यहाँ 100 बचेगा, इसमें से 99 है, उसके आगे वाले में 98 है, तो ये सारे मिल करके बन जाएंगे आपके सामने 100 फैक्टोरियल, और पीछे जो बचेंगे वो ऑड वाली टर्म बचेगी 197 and so on, लास्ट में 32 × 1 तक, और डिवाइड बाई 99 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है इसके भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्लियर है, और ये ऑप्शन इसके भी इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपके सामने जो तीनों ऑप्शन है ये क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बाइनोमियल दे रखा है, अगेन ट्राइनोमियल है, मींस 3 टर्म्स है, x+1/x+1^6, और उसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से दिया गया है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्चुअली देखिए आपको क्या करना है कि ये सारे कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, a0, a1, a2 and so on। तो सबसे पहले अगर जैसे यहाँ पर देखिए कुछ सम आ रहा है हमारे पास में, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो सम निकालने के लिए अगर हम इसमें x को 1 पुट कर देते हैं तो ये बनेगा, देखिए a0+a1+b1+a2+b2 and so on, लास्ट में a6+b6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 की पावर 6। क्लियर है, तो ये तो a0 है और प्लस ये क्या बन जाएगा, ये समीशन बन जाएगा ai+bi for i equal to 1 to 6, और ये किसके इक्वल है, 3 की पावर 6 के इक्विवेलेंट। अब लेकिन a नॉट अभी हमने निकाला नहीं, ठीक है, तो हम लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, अगर a नॉट 0 अगर आ जाता है तो अलग केस है, बाकी अदरवाइज ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आपके पास में गलत हो गया। बट चलिए पहले बात करते हैं कि a नॉट कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग आपको पहला ऑप्शन भी देखना है और पहले के साथ में आपका तीसरा ऑप्शन भी इसी से आएगा। तो a नॉट क्या है, एक्चुअली a नॉट है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए इसके बाइनोमियल को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं
तो यहाँ पर देखिए वन को अलग कर लें और एक्स प्लस वन बाई एक्स को अलग करें तो ये बनेगा, देखिए फर्स्ट टर्म जैसे सिक्स सी जीरो इंटू वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, क्लियर है। ऐसे फिर नेक्स्ट टर्म में आएगा सिक्स सी वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का की पावर फाइव, ऐसे नेक्स्ट टर्म चलेगी सिक्स सी टू एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, ठीक है, एंड सो ऑन आपके सामने लास्ट तक चलता रहेगा। तो देखिए तो पहले वाली टर्म है उसके अंदर क्या कांस्टेंट टर्म आएगी, तो बिल्कुल आएगी, देखिए क्योंकि ऊपर और नीचे जब भी सिमेट्रिक होता है इस तरीके से, ठीक है, तो जब इवन पावर आती है तो कांस्टेंट टर्म आती है, जब ऑड पावर होती है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आती, बाकी आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो इसकी जो मिडिल टर्म आएगी सिक्स सी थ्री, इसके एक्सपेंशन में जब इसकी जो मिडिल टर्म आएगी सिक्स सी थ्री तब ये क्या होगा, ये आपके सामने कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो इसमें पहले वाले फैक्टर के अंदर आपके सामने आएगा सिक्स सी जीरो इंटू सिक्स सी थ्री प्लस, इसके अंदर नहीं आएगा सिक्स सी वन में क्योंकि पावर ऑड है, इसके अंदर जो एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर नीचे आपके सामने कहीं ना कहीं एक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म कभी नहीं आएगी। इसमें फिर आएगी सिक्स सी टू और यहाँ पर क्योंकि एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर है तो इसकी जो मिडिल टर्म आएगी दैट इज फोर सी टू। ऐसे आप आगे चलेंगे सिक्स सी फोर में आएगा और उसके अंदर पावर टू हो जाएगी तो उसकी पावर आएगी टू सी टू। फिर आगे चलेंगे सिक्स सी सिक्स, लेकिन वहाँ पर फिर आपके सामने वापस क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो वो डायरेक्ट होगी आपके सामने सीधी कांस्टेंट टर्म, सो सिक्स सी सिक्स जो होगा वो आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो ये ए नॉट की वैल्यू होगी आपके सामने, आपको क्या करना है हर फैक्टर में से इसके एक्सपेंशन में से जहाँ जहाँ भी कांस्टेंट टर्म आ रही है वो देखनी है, ठीक। और इसके लिए ध्यान रखिए कि सिमेट्रिसिटी वाली चीज़, ताकि आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत ना पड़े, कि जो भी इवन पावर वाली है उसके जो मिडिल टर्म होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली ये जो है ए नॉट है उसकी वैल्यू आएगी 101, और ए नॉट की वैल्यू जो 101 पुट करेंगे तो इनका जो समीशन आएगा वो भी आएगा आपके सामने 588। साथ में A5 की अगर हम बात करें तो A5 जो होगा, ठीक है ना, वो आएगा आपके सामने x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो उसको भी जब आप चेक करेंगे तो वो क्योंकि कांस्टेंट टर्म में तो है नहीं, वो सिर्फ इसी में से आएगी, तो वो आपके सिर्फ इस वाले फैक्टर में बनेगी x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, और इसका जब आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे 6c1, तो इस ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकियों में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाकियों में सिमेट्रिसिटी चलती है आपकी, पावर जो इवन वाली जो होती है वो क्या होती है, जैसे 4 के बाद में 2 में डिक्रीज होगी, 2 के बाद में आपके सामने 0 में जाएगी, तो ऑड वाली जो पावर है, और क्योंकि x की पावर 5 जो है आपके सामने वो सिर्फ मैक्सिमम वाले में से ही आ सकती है, तो सिर्फ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में से आपका आंसर आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, तो आपको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। इसमें अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, इन एल्जेब्रिक सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स एंड टी इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसके अंदर एस क्या है, इसका एल्जेब्रिक सम है कोएफिशिएंट्स का, और एल्जेब्रिक सम कैसे निकालते हैं बाइनोमियल के अंदर, इसमें एक्स को 1 पुट करके, तो जैसे ही एक्स को 1 पुट करेंगे हमें मिलेगा अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 की पावर 100। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा को 3 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 5 की पावर 100, और यही आपका, अच्छा पावर में 100 नहीं 20 है, सॉरी, सो 5 की पावर 20, और 5 की पावर 20 आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। साथ ही आपको दिया गया है टी इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसके अंदर एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होती है, जैसे अभी मैंने बताया था सिमेट्रिसिटी में बिल्कुल मिडिल टर्म जो होती है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, वो आपकी एक्स से इंडिपेंडेंट होगी, तो वो होगी आपकी 20c10 अल्फा प्लस 1 की पावर 10 और बीटा प्लस 1 की पावर 10, और एक्स आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट मीन्स वहाँ पर एक्स आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20c10 के फॉर्मेट में देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना नहीं है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 1 की पावर 10। अल्फा प्लस बीटा भी 3 है, अल्फा इंटू बीटा भी 3 है, तो इस तरीके से यहाँ से आपको मिलेगा 20c10 इंटू, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 7 टू दी पावर 10, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारा फोर्थ ऑप्शन है,
सो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमारा पहला और चौथा ऑप्शन दोनों करेक्ट है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सो देखिए हर क्वेश्चन को, यहाँ पर ये आपको फिर से देखिए एपी में दिया गया है और एक साथ में समीशन दिया गया है, ठीक है। उस समीशन के अंदर आपको उसके फैक्टर्स जो दे रखे हैं वो इस फॉर्मेट में दे रखे हैं, पी आई की पावर बी आई, ठीक है, और पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को। तो जितने भी नंबर्स आएंगे उसके अंदर ये पी आई जो है प्राइम नंबर से और जो बी आई है वो उनकी पावर से। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपको इस सिक्वेंस को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो जैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे तो ए वन माइनस ए टू जो होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस, और इधर आ जाएगा ए वन प्लस ए टू। ऐसे दूसरे में फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा ए थ्री माइनस ए फोर, ये भी माइनस कॉमन डिफरेंस, और दूसरी टर्म बन जाएगी ए थ्री प्लस ए फोर, और ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा। तो इनको कॉमन डिफरेंस को मैं अगर बाहर कॉमन निकाल लूँ तो ये तो माइनस डी, और साथ में बनेगा आपके सामने ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू, जितनी भी टर्म्स है आपके सामने, लास्ट टर्म कितनी है इसमें ए वन जीरो टू, तो वहां तक आपके सामने इसका सम चला जाएगा, क्लियर है। इसके ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है तो माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस साइन आपका यहाँ से हट जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको देखिए पहली टर्म दे रखी है और 102th टर्म दे रखी है, तो उसको आप लिख सकते हो 405 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 101 इनटू डी। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दें, इन टर्म का सम निकालेंगे तो आएगा 102 डिवाइड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म 405, तो टोटल आ जाएगा आपके सामने 406। ये एपी के सम का फॉर्मूला होता है। अब इसको आपको कम्प्लीटली फैक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए और बाकियों के फैक्टर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 51, तो 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ से 51 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 17, और 406 के जो फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले से 2 को बाहर निकाला तो पीछे बचेगा आपके सामने 203, ठीक है, और 203 जो है, ठीक है, उसके अगर आप फैक्टर्स करके देखेंगे, ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है आपका नंबर, ठीक है ना, जैसे जैसे आप प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखें तो 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 आ चुका है, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1, और यहाँ से एक फैक्टर 7 आ रहा है, और 7 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर आएगा आपके सामने 29। तो ये आपके सामने सारे फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो तो है 2, 3, 17, 7 और 29, क्या क्या है देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें उन सब का सम निकालना है, 2 + 3 + 7 + 17 + 29, ठीक है ना, ये 5 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, और प्लस हमें क्या करना है, हमें उनकी पावर्स का सम निकालना है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स का सम प्लस उनकी पावर्स का सम। तो पावर में देखिए 2 में 3 आ रही है, बाकी सब में 1 आ रही है, सो 3 + 1 + 1 + 1 + 1, तो इन सबको ऐड कर दीजिए और देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है देखें, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एडिशन करना है आपको, 3 + 2 = 5, 5 + 7 = 12, ठीक है, 12 + 17 = 29, 29 + 29 = 58, एंड प्लस 4 + 3 = 7, सो योर फाइनल आंसर विल बी 65, ठीक है। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको एपी का सम निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था, उसके बाद जो नंबर आ रहे थे उसके प्राइम फैक्टर करके और उसके प्राइम फैक्टर्स और उसकी पावर्स का सम निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये दिया गया है कि ये जो 4 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है इन विच फर्स्ट 3 आर इन एच पी एंड द लास्ट 3 आर इन जी पी, और ये नेचुरल नंबर है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना इनमें इनकी वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेचुरल डिस्टिंक्ट, ठीक है, कि क्वेश्चन पूरा का पूरा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो देखिए पहली 3 टर्म जो है आपके सामने वो एच पी में है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 2/b जो होगा वो 1/a + 1/c के इक्वल है, और 1/a + 1/c जो इक्वेशन दी हुई है उसमें अगर मैं 2/b पुट कर दूं उसकी जगह पे तो 2/b + 1/b कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से 3/b की वैल्यू आ गई 1,
तो हमें एक वैल्यू मिल गई, दैट इज बी, और दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, ये एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं, निकाल चुके हैं। क्लियर है? जैसे ही हमने बी निकाला, ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, बाकी पार्ट्स भी निकालते हैं। लेकिन बाकी पार्ट्स निकालने के लिए पहले देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक एनालिसिस करना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो है देखिए, 1 by a + 1 by c की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 2/3। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हम दो केस बना सकते हैं, या तो जो 1/a है वो 1/3 से बड़ा होगा, तो 1/c को 1/3 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 2/3 है और नेचुरल नंबर्स है। और या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 1/3 से छोटा हो तो c आपका क्या हो जाएगा, 1/3 से ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? और इन दोनों केस को जब आप सॉल्व करके देखेंगे, तो जैसे ये इस केस में आपके सामने आएगा a लेस देन 3 और c ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर आएगा आपके सामने a ग्रेटर देन 3 एंड c विल बी लेस देन 3। तो इसमें तो देखिए, इस केस में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, c की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, और c की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो क्योंकि हमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो ये केस तो आपका इसलिए वहीं पर क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। क्लियर है? और वैसे भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जैसे आप a की वैल्यूज लेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर देखिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि a नेचुरल नंबर है और a 3 से छोटा है। तो आपके सामने सिर्फ दो केस बने, एक a इक्वल टू 1 और दूसरा a इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए, जब आप a की वैल्यू 1 और 2 लेकर के देखते हैं, तो कौन से केस में आपको c और d नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, बस वही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, b हम निकाल चुके हैं पहले से, अगर मैं a को 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा 2/3 - 1, तो 1/c कितना आ गया मेरे पास, -1/3, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, कि a की वैल्यू 1 भी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची, और उसको आपको होना ही पड़ेगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व होने के लिए। तो a को जैसे हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा देखिए 2/3 - 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/c। एलसीएम लिया 6, यहाँ पर आएगा 4 - 3, दैट विल बी इक्वल टू 1/c। तो यहाँ से c की वैल्यू मिली मेरे को 6, सो c आ गया 6, b पहले से 3 था, और इसका मतलब a की वैल्यू जो 2 है वो भी मेरी क्या होगी, सही होगी। a 2 आ गया, b 3, c 6, तो इसके लिए d के लिए आपको क्या दिया गया है, कि लास्ट 3 टर्म्स आपकी gp में है, तो वहाँ से आपको मिलेगा c स्क्वायर विल बी इक्वल टू b इंटू d। c 6 है तो ये 36 और b 3 है, सो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 12। a b c d चारों नंबर्स आ चुके हैं, हमें इन चारों का सम पूछा है, सो 3 + 2 = 5, 5 + 6 = 11, और 11 + 12 देयर विल बी 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो डिस्कशन का, वो यही था कि जैसे ही बी आता है, तो उसके बाद में ए और सी के लिए आपको यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन से आपको चेक करने हैं कि कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो वर्ड्स है क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं तो वो एक कंडीशन का काम करते हैं क्वेश्चन में, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको अगेन एक सीरीज दी गई है, और उस सीरीज के अंदर एक फ्रैक्शनल पार्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्रैकेट है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है, इसके अंदर सिर्फ हमें ये देखना है कि इसका जो डेसिमल वाला जो पार्ट है वो कितना आ रहा है। लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको TR टर्म को देखना पड़ेगा कि TR होगा क्या। तो देखिए, TR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अच्छा AP के अंदर TR जो है RH टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म -1/2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, प्लस R - 1 × 1। तो यहाँ से आपको ये TR कितना मिलेगा, TR मिल जाएगा आपको R - 3/2। तो यहाँ पर जब आप इसमें पुट करेंगे, तो ये जो टर्म बनेगी आपके पास में 1 + R - 3/2, R - 1/2, R + 1/2 और R + 3/2, ठीक है ना, ये सारी टर्म्स बन रही है। इनको सिंप्लीफाई कीजिए,
ठीक है ना, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसका रूट भी लेना है, फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे। तो देखिए, वन प्लस इन फर्स्ट और लास्ट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस 9 बाई 4, और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 4। फिर से इनको ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा आर की पावर 4, अच्छा यहाँ पर भी प्लस साइन है, ठीक है, आर की पावर 4, यहाँ पर आएगा 9 प्लस 1 10, 10 बाई 4 दैट इज माइनस 5 बाई 2 आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आएगा 9 बाई 16 प्लस 1 देयर विल बी 25 बाई 16। तो ये क्या बन गया, ये देखिए वापस परफेक्ट स्क्वायर है आपका, आर स्क्वायर माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर और पूरे का होल रूट। इसको ओपन करके देखो, यही आ रहा है, आर की पावर 4 माइनस 5 बाई 2 आर स्क्वायर प्लस 25 बाई 16, और रूट और स्क्वायर एक साथ आ गया, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो टर्म है हमारे सामने, ठीक है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 5 बाई 4। अब देखिए इसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगाना है, आर की वैल्यू 2 से लेके 101 तक पुट करोगे तो ये इंटीजर है, और फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीग्रल पार्ट को आप हटा सकते हो, तो ये है आपके सामने माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 बाई 4। माइनस 5 बाई 4 को जो सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करेंगे, माइनस 5 बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5 बाई 4, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ से आएगा माइनस 5 बाई 4, माइनस 2 होती सो माइनस माइनस प्लस 2, सो आपका आंसर आ जाएगा 3 बाई 4। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो टी आर वी दिस, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे सामने वो आ रही है 3 बाई 4, लेकिन 3 बाई 4 तो ये किसकी वैल्यू है, ये आर की एक वैल्यू के लिए 3 बाई 4 है, r इक्वल टू 2 के लिए 3 बाई 4 है, जैसे r इक्वल टू 3 के लिए भी कितना होगा 3 बाई 4, क्योंकि r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, r इक्वल टू 4 के लिए भी कितना होगा 3 बाई 4। तो हमारे पास में ऐसी टोटल कितनी टर्म्स है, 2 से लेके 101 तक, इसमें टोटल 100 टर्म्स है, तो इस 3 बाई 4 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा दैट इज 75, सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन ले आते हैं और फाइनली आकर देखते हैं यार 3 बाई 4 आ रहा है, ये तो फ्रैक्शन आ रहा है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि साथ में समीशन भी लगा हुआ है, ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन समीशन तो अभी हमने अप्लाई करना है ना, समीशन तो हमने अप्लाई नहीं किया अभी तक, तो बस हमने इसको सॉल्व किया था, इसको सिंप्लीफाई किया था, और अब हमें इसमें समीशन अप्लाई करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चीज से रिलेटेड है, अगेन देखिए बाइनोमियल से है, इसको क्या दिया गया है, आपको एक बाइनोमियल टर्म दी गई है, bn equal to nc1 plus nc2 a plus nc3 up to so on ncn a की पावर n minus 1। तो इसके अंदर क्योंकि देखिए एक टर्म हमारी कुछ इस तरीके से जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वैसी लग नहीं रही है, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a into b to the power n, तो अब ये आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे nc1 के साथ में a, nc2 के साथ में a square and so on। अभी भी एक टर्म गायब है तो उसको ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो, तो पीछे जो बचा वो हमारे पास में क्या बनेगा, वो बनेगा 1 प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन, और एन सी जीरो होता है 1, और ये किसके इक्वल है, a इंटू बी की पावर, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से रिलेशन निकाल लीजिए कि b n का जो सम आएगा वो इस फॉर्मेट में इस चीज के इक्वलेंट है, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपको दो टर्म का डिफरेंस निकालना है, बी 2006 माइनस बी 2005, तो इसमें जब हम पुट करेंगे b 2006 माइनस b 2005, तो बाहर एक a है वो दोनों में रहेगा, तो यहाँ पर भी रह जाएगा इसके साथ में, तो उस a को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर 2006 और 2005 जब पुट करेंगे, 2006 2005 है, ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस a की पावर 2006 माइनस 1, और फिर इसमें से माइनस करेंगे 1 प्लस a की पावर 2005, और उसमें से माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा प्लस वन, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद में अब इसके अंदर आप क्या करें, वन प्लस ए की वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए विल बी इक्वल टू दिस है, तो वन को इधर ले आए तो वन प्लस ए की पावर 2006, ठीक है। अच्छा इसमें से भी आप एक काम और कर सकते हैं, अभी वन प्लस ए की पावर 2005 को भी कॉमन ले लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे 2005, ठीक है,
तो पीछे कितना बचेगा आपके सामने, 1 प्लस ए और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा और इधर आपके सामने एक ए था, उसको डिवाइड में ले आए तो इस ए से ये ए भी कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास में बचा 1 प्लस ए की पावर 2005। तो 1 प्लस ए की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे आप 4 की पावर 1/401, क्योंकि 1 को तो आप उधर ले चुके हैं, तो 1 प्लस ए के साथ में और इसकी पावर 2005, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 की पावर 4001 से डिवाइड करेंगे तो 5। और आपको क्या दिया गया है, ये 4 की पावर k के इक्वल है, तो k की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये 4 की पावर k के इक्वल है तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया गया है कि एक बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ से आपको बोला गया है कि एफ ऑफ एफ एक्स के अंदर एक्स की पावर 10 का जो कोएफिशिएंट है वो लैम्डा है, तो लैम्डा के डिजिट्स का सम क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मीनिंग हुआ, एफ ऑफ एक्स एफ एक्स का मीनिंग हुआ इसके अंदर एफ एक्स पुट करना है, सो दैट इज एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ की पावर 4x प्लस एफ की पावर 8x एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके अंदर से x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो आपका जो x की पावर 10 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो सिर्फ इन्हीं चार टर्म में से आएगा, इसके आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 16 के अंदर जब आप पुट करेंगे f की पावर 16 के अंदर, तो उसमें से x की पावर 16 का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, तो जो x की पावर 10 का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो इन्हीं चार टर्म में बनेगा, इसीलिए मैंने इसे चार टर्म लिखी है। इन चार में कैसे निकालेंगे, तो इन चारों में देखिए fx का क्या मीनिंग हुआ, वापस यही एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना है, 0, ठीक है ना, इसमें x की पावर 10 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। एफ स्क्वायर के अंदर बात करेंगे, मीन्स इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसमें से देखिए x को कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा और पीछे बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ में से चलता रहेगा। तो x की पावर 2 तो देखिए पहले से बाहर है, तो आपको इसमें से क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से x की पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर के अंदर टर्म है, ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर टर्म है, तो जब आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जो एक्स की पावर 8 का जो कोएफिशिएंट बनेगा, ठीक है ना, वो आपके सामने सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है, ठीक है। और वो कैसे, देखिए एक काम करते हैं, इसके अंदर से और थोड़ा सा इसको फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। एक्स की पावर 7 अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर पहले से बाहर है, इसको एक टर्म ले लें और इसको दूसरी टर्म ले लें, तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, 2c0 मीन्स पहली टर्म और साथ में x की पावर 7 और इसका स्क्वायर, और दूसरी वाली जो टर्म आएगी उसमें x की पावर 14 आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से x की पावर 10 आएगा नहीं। अब इसमें वापस देखें 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये दो टर्म और ये एक टर्म, क्लियर है, तो इसके अंदर वापस देखें तो एक्स स्क्वायर पहले से बाहर है, इसके अंदर देखें 2c0 और वापस आएगा हमारे सामने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में वहाँ से कोई टर्म हमारे सामने है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े इसके अंदर, तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 1 और एक्स क्यूब आएगा वहाँ से, और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स हट जाएगा और एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 6, तो 6 और 2 मिलकर के आपके सामने कितने होंगे, 8, तो यहाँ से भी आपके सामने एफ स्क्वायर एक्स के अंदर भी कोई भी एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से x की पावर 10 का कोएफिशिएंट नहीं बन पा रहा है। एक बार इसको और देख लेते हैं दोबारा, हमारे सामने था x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर, अगर हम सीधा भी इसमें करके देखें, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, तो जब आप दो दो का प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें एक टर्म बनेगी देगी, ठीक है ना, अभी हमने शायद कहीं पर ऐसे गड़बड़ किया होगा। देखिए इसका तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं वैसे भी, क्योंकि पहले सबका स्क्वायर होगा, तो सबका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं, इसमें आ जाएगा 16, तो 10 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन दो दो के मिक्सर में आएगा। देखिए जब आप इसको और इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो x की पावर 10 बनेगा,
ठीक है, और आपके सामने एक बार करके देख लीजिए, 1 × 2 कितना हो जाएगा 3, 1 × 4 5, और 1 × 8 कितना होगा 9, 2 × 4 कितना होगा 6, 2 × 8 कितना होगा 10, क्लियर है? तो एक देखिए 10 यहाँ पर बन रहा है, ऐसे ही 4 × 8 करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा 12, ठीक है, तो इसके अंदर आपके सामने बनेगा, ठीक है, और वो क्या होगा x की पावर 10 का कोएफिशिएंट, और वो कितना आएगा 1, क्लियर है? सिमिलर वे में आपको x की पावर 4 में निकालना है, बट वहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है, लेकिन नहीं तो थोड़ी सी उसमें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। f की पावर 4 के अंदर कैसे निकालेंगे, देखिए x की पावर 4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर 4, ठीक है ना, जो कोएफिशिएंट आएगा हमारे सामने वो सिर्फ इसी में से आएगा, इसके अलावा और किसी में से आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद में आपके सामने x की पावर 7 आ जाएगा और 4 पहले से प्रेजेंट है तो आपके सामने कितना हो जाएगा x की पावर 11 हो जाएगा। तो इसमें से देखिए कैसे करेंगे, x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है ना, 4c0 इंटू दिस इंटू x क्यूब की पावर 0, तो यहाँ से तो देखिए कोई कोएफिशिएंट आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पर x की पावर 4 आ सकती है मैक्सिमम, यहाँ पर x की पावर 8 है, तो दोनों को मिला करके मिक्स करके अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम x की पावर 8 आ सकती है, लेकिन जो दूसरी टर्म है हमारे सामने 4c1, ठीक है ना, इसके अंदर आएगा देखिए, और वो कितना आएगा, क्योंकि x की पावर 4 पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी है हमारे सामने एक्स क्यूब, तो x की पावर 4 पहले से प्रेजेंट है, एक्स क्यूब यहाँ से और एक्स क्यूब यहाँ से आ सकता है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ से जो आएगा वो 4c1, ये जो कोएफिशिएंट आएगा वो हमारे सामने किसका आएगा, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट आएगा। ऐसे ही इसकी अगली टर्म में भी आएगा, आप चेक करेंगे कि, और उसमें आपको मिलेगा 4c2, तो यहाँ से आपको x की इसके दो कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, एक 4c1 और एक 4c2, और दोनों का जब सम करेंगे तो इस वाले से आपको कितना मिलेगा 12, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, f की पावर 8x के अंदर देखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास में बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा, क्योंकि पहले से पावर के अंदर आपके सामने 8 प्रेजेंट होगा, ठीक है, और पावर में जो 8 प्रेजेंट है उसमें से x की पावर 8 बाहर आ जाएगा, तो जो रहेगा आपके सामने वो सिर्फ इसी से आएगा, इसके बाद वाले पार्ट्स में से आपका कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है ना, 1 प्लस x की पावर 8, और इसमें से कब आएगा, जब हमारे सामने 8c2 होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 8 × 7/2, दैट इज 28, तो इसमें 12 आया था, इसमें 28, और इसमें हमारा 2 आया था, ठीक है, तो इस तरीके से जब देखेंगे आप इन तीनों का जो सम, ठीक है, 12 प्लस 28 प्लस 2, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 42, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड है, और बाइनोमियल सीरीज के अंदर आपको क्या दिया गया है, 11c0 × 10c1/1, 11c1 × 10c2/2, 11c2 × 10c3/3, एंड सो ऑन। देखिए एक बहुत अच्छा बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब भी डिवाइड के अंदर कोएफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है, तो जिस भी कोएफिशिएंट्स के अंदर इसमें और इसमें वन का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर वो फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है, और फॉर्मूला कैसे लगता है, ऊपर वाले में वन एड हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, इस ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो जैसा वैसा रह जाएगा, और नीचे जो है आपके सामने जो वन है आपके सामने, क्योंकि 11c0 था वहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वन, ठीक है, तो जो ऊपर जो नंबर आया वो सेम नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 के अंदर जैसे हम वन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो 11 + 1 = 12, वो सेम नंबर नीचे आ जाता है। फॉर्मूला लगता कब है, बस इन दोनों के बीच में वन का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर चाहे एन कुछ भी है, इन दोनों में इसमें से इससे ये एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ जीरो है तो जैसे यहाँ वन हो गया, यहाँ सेवन होता तो यहाँ एट होता तो चल जाता, ठीक है, एक का डिफरेंस होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपका सब जगह पे लग जाएगा, इसको लगा दीजिए, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा 12c2 × 10c2/2 प्लस ये बन जाएगा 12c3 × 10c3/12, ये भी 12, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका पूरा एक्सपेंशन चल जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 12c1 × 10c1, 12c2 × 10c2, 12c3 × 10c3, ठीक है, तो और नीचे आपके सामने सब जगह पर कितना है 12, तो ऊपर अगर आप देखेंगे इनको कन्वर्ट करके, ठीक है, तो ये आपके सामने किसका आएगा, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना, 12 और 10 है, ठीक है, तो 10 को हम 9 में कन्वर्ट करेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10,
इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 8 प्लस 2 10, इसको 7 में कन्वर्ट करेंगे तो 7 प्लस 3 10, तो 10 कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस दोनों के प्रोडक्ट में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट जो होगा वो आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22c10। लेकिन इसमें आपकी एक दिक्कत आएगी, इसके अंदर एक टर्म आपके सामने और एक्स्ट्रा आएगी, और वो आएगी 12c0 × 10c0 वाले, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -1। और ऐसा देखिए आपको ऑप्शंस में भी दे रखा है आगे 22c10 - a/b, और a प्लस b का आपसे सम पूछा गया है, तो सम कितना हो जाएगा, देयर विल बी 30। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये प्रॉपर्टी थी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं क्वेश्चनों के अंदर। आगे बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर देखिए हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको दिया गया है कि द कोएफिशिएंट्स 2r प्लस 4th एंड r माइनस 2 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो देखिए इसके जो दोनों कोएफिशिएंट्स है ये इक्वल है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 18 cr 2r + 3, और दैट विल बी इक्वल टू 18 cr - 3, ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स जब निकालेंगे हम, ठीक है, फॉर्मूले से, तो इसमें क्या करते हैं, r को एक कम करके यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें भी r को कम करके, क्योंकि उधर 1 प्लस एक्स है, तो दोनों जगह पर आपके सामने क्या आ जाएगा, और सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आपको वहाँ से देखने हैं, क्लियर है, क्योंकि बाकी जो कोएफिशिएंट्स है वो कितने हैं, 1 1 है दोनों जगह पर। अब ये दोनों इक्वल कब होते हैं, या तो ये दोनों नंबर सेम हो जाए, या तो NCx = NCy कब होता है, या तो x = y हो जाए, तो x = y पर तो आपको मिलेगा 2r + 3 = r - 3, तो यहाँ से तो r इक्वल टू आएगा -6, जो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो नहीं होगा। दूसरा ये इक्वल तब होता है जब n इक्वल होता है x + y के, और x + y के इक्वल कब होगा, तब ये r - 3 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3r की वैल्यू 18, तो r कितना आ जाएगा आपका, दैट विल बी 6, क्लियर है। तो ये था आपका इसका आंसर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउट क्लास में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।